आज मैंने इंडियन वेयर पहना है, आज मैंने ये ब्लैक कलर का कुर्ता पहना है और हाँ आज मैंने जींस भी लगाया है आपके घर में और हम लोग वापरी जाने वाले हैं, आधा एक घंटे का रास्ता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ और यहाँ पे बाहर गैलरी में बैठी हूँ। अभी मैं जैसे ही सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ, दो ग्लास पानी पीती हूँ और आप सबके यहाँ पे कमेंट रेट करती हूँ और यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ और टॉपिक सोचती हूँ कि आज मुझे कौन सा वीडियो बनाना है आप लोगों के लिए। फिर इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद ब्रश करने के लिए जाऊँगी। 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही मैं बैठी रहती हूँ, फिर इसके बाद मैं ब्रश करने के लिए जाती हूँ और इस तरह से कुछ मेरी मॉर्निंग होती है यहाँ पे। आजकल तो लॉकडाउन में सब कुछ रूटीन गड़बड़ हो गई है क्योंकि हस्बैंड भी ज़्यादातर घर पे ही रहते हैं। अभी ऑफिस स्टार्ट हो गई है लेकिन हैबिट हो गई है। ऑफिस जाते थे तो फिर जल्दी जल्दी मैं सुबह होती थी, लंच बनाना रहता था और ये सब कुछ में बिजी वाली मॉर्निंग होती थी, लेकिन अभी सब कुछ शांति से होता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं और थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ, आधा पौना घंटा हो गया है। ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है और किचन में थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी थी वो मैंने ख़त्म की और फिर मैं अभी जस्ट अपनी बेडशीट ठीक करने के लिए यहाँ पे आई हूँ अपने बेडरूम में। और नाश्ता भी मेरा बाकी है क्योंकि आज मैं अकेली हूँ घर पे, हस्बैंड आज ऑफिस गए हैं सो उसकी वजह से देखते हैं। अकेले के लिए कुछ भी बनाना अच्छा नहीं लगता, इतनी मेहनत करना, मैगी ही बनाने की सोच रही हूँ, फिर देखते हैं। सबसे फर्स्ट मैं अपनी बेडशीट ठीक करती हूँ, फिर इसके बाद मैं किचन में जाऊँगी कुछ नाश्ता बनाने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी बनाऊँगी वो। चलिए फिर मिलती हूँ बाद में। मॉर्निंग में मेरा सबसे पहला काम यही रहता है, अपनी बेडशीट को क्लीन करती हूँ। लेकिन आजकल जब से ये लॉकडाउन हुआ है, कोरोना के चक्कर में हस्बैंड घर पे रहते हैं, तब से ये थोड़ा बहुत रूटीन बिगड़ गया है मेरा, कुछ फिक्स नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं अपनी बेडशीट को क्लीन कर लेती हूँ, ठीक कर लेती हूँ इस तरह से कुछ। मैं अपनी बेडशीट ठीक करती हूँ, फिर इसके बाद मैं किचन में जा रही हूँ। किचन में आज सिंपल मैगी बनाने की सोच रही हूँ क्योंकि गाइस मुझे मैगी बहुत पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, अच्छा नहीं है लेकिन क्या करें। फिर यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट बेडशीट ठीक हो गई है, अब मैं जा रही हूँ किचन में। नाश्ता मैंने कर लिया था, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, मैगी बनाई थी सिंपल। अब मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ, आज मुझे जो सब्जी बनानी है वो कट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐसा ही करती हूँ कभी कभी, यहाँ पे बाहर ही गैलरी में आकर बैठ जाती हूँ शांति से, अच्छा लगता है यहाँ पे। अब मैं अपनी सब्जी कट करूँगी, फिर इसके बाद मैं लंच रेडी करने के लिए जाऊँगी। आज आप लोगों के साथ सब्जी की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। इस तरह से एक बार सब्जी बनाएगा बहुत ही टेस्टी लगती है और हमारे यहाँ ज़्यादातर हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ होती है। जितने भी हम ग्रीन वेजिटेबल्स वाली सब्जी बनाते हैं उसमें हरी मिर्च ही ज़्यादा पड़ती है। हम लोग गरम मसाले या फिर कुकिंग मसाले ज़्यादा बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। रेड चिली भी बहुत कम यूज़ होती है मेरे घर पे। अब इसके बाद सीधा मैं किचन में जाऊंगी सब्जी रेडी करने के लिए। यहाँ पे मैंने आलू को काट लिया था, अब इसको मैं वॉश कर रही हूँ। मैं सब्जियाँ हमेशा दो बार क्लीन करती हूँ, हरी सब्जियाँ काटने से पहले और काटने के बाद भी मैं वॉश करती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने आलू को और आज जो सब्जी बनाने वाली हूँ, और हाँ मैंने आप लोगों को बोला ही नहीं कि आज मैं किसकी सब्जी बनाने वाली हूँ। आज मैं टिंडोरे की सब्जी बनाने वाली हूँ। कुछ लोग टिंडोरे बोलते हैं, कुछ लोग टिंडा की सब्जी बोलते हैं। टिंडा आलू की सब्जी आज मैं बनाने वाली हूँ। यहाँ पे गुजरात में टिंडोरे बोलते हैं, कुछ लोग गुजरात में गिलोड़ा भी बोलते हैं, बहुत सारे नेम है इसके, टिंडोरा, टिंडा, गिलोड़ा, आप समझ जाएगा। सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आप डेली में यूज़ करते हो। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी हींग ऐड कर रही हूँ। हींग ऐड करने के बाद
जो हमने वेजिटेबल कट किए थे टिंडोरे की सब्जी वो और आलू दोनों को मैं ऐड कर दूंगी फटाफट। अब मैंने जो लंबे लंबे साइज़ में आलू को कट किया था वो ऐड करूंगी। ये सब्जी में आलू हम इस तरह से लंबे लंबे कट करते हैं तो अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है इस तरह से। मैं ये सब्जी जब भी मैं बनाती हूँ तब इस तरह से आलू को कट करती हूँ। और हाँ गाइस, मेरे यहाँ कुकिंग मसाला और गरम मसाला से ज़्यादा हरी मिर्च वाली सब्जी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं हम लोग, और मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही हरी मिर्च वाली सब्जी खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। अब मैं ये दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारी सब्जी में ऑयल मिक्स हो जाए। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ। नमक और हल्दी को सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करूँगी और अच्छे से फिर हम चलाएंगे और 5 से 7 मिनट तक हम ढककर इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि ये सब्जी सारी 50% जब तक ये कुक ना हो जाए तब तक हम इसमें कुछ भी मसाले वगैरह ऐड नहीं करेंगे। और हाँ, आप इसमें अपने टेस्ट के अनुसार कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं। मेरे यहाँ मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया हरी मिर्च वाली सब्जियाँ खाना कुछ हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मैं आप लोगों को अपनी डेली रूटीन लाइफ कुछ ज़्यादा ही दिखाने वाली हूँ, सो धीरे धीरे आप लोगों को भी पता चल जाएगा मैं जितनी भी सब्जियाँ पकाती हूँ उसमें हरी मिर्च और अदरक लहसुन ही खाना हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आप देख सकती हैं सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे हरी मिर्च अदरक और लहसुन की पेस्ट है मिक्स करके मैंने इसको रखा था वो मैंने ऐड किया। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर और धनिया जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, बस इतना सा ही मसाला इसमें पड़ेगा। अब मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी। ये सब्जियाँ 50% कुक हो गई थी इसके बाद ही मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं। अगर आप पहले मसाले ऐड कर दोगे तो फिर जल जाएगा। सो अभी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी सब्जियाँ होने वाली है। और ये सब्जी को मैं थोड़ा ज़्यादा पकाऊंगी क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कुरकुरी सब्जी खाना ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को लगेगा कि ये जल गई लेकिन हम लोगों को ऐसे ही खाना पसंद है। आप लोग देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे हमारी सब्जी रेडी है। मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती के साथ इसको गार्निश किया है। सो ट्राई कीजिएगा आप लोग भी इस तरह से एक बार, बहुत अच्छी लगती है। सब्जी की रेसिपी देख ली एक बार उस तरह से सब्जी बनाएगा बहुत टेस्टी लगती है। और अभी मैं अपनी स्किन केयर करने वाली हूँ, बहुत दिन हो गया है मैं अपनी स्किन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही थी। सो स्क्रब एंड पैक आज अप्लाई करने वाली हूँ अपने फेस पे। एक मिनट रुकिए, मैं ठीक से कर लूँगी हेयर बैंड को। सो आज मैं अपनी स्किन केयर करने वाली हूँ। बहुत दिन से अपनी स्किन केयर नहीं की थी क्योंकि बीच में मैं बीमार हो गई थी, उस वजह से ये पूरा महीना मैंने बिल्कुल भी अपनी स्किन पे फोकस नहीं किया। अभी मैं अपनी स्किन केयर करने वाली हूँ। आज मैं ये वाव का उपटन फेस एंड बॉडी स्क्रब यूज़ करूँगी और उपटन वाव का ही उपटन फेस एंड बॉडी पैक यूज़ करने वाली हूँ। इसका रिव्यू भी मुझे आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करना है। अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत जल्द इसका भी डिटेल में रिव्यू आएगा मेरी चैनल पे। 1 से 2 बार मैंने इसको यूज़ कर लिया है, नहीं दो बार मैंने इसको यूज़ कर लिया है, ये तीसरी बार आज मैं यूज़ करने जा रही हूँ। देखो ये क्या हुआ, बाथरूम में गई थी पानी भरने के लिए लेकिन शावर ऑन हो गया और पूरा भीग गई मैं। कुछ नहीं, अभी वैसे मैं शावर लेने के लिए ही जा रही हूँ, स्किन केयर कर लूँ और फिर मैं शावर लेने के लिए ही जा रही हूँ। और आज मुझे कहीं जाना भी है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ।
लंच तो मैंने रेडी कर लिया, आप लोगों ने देख ही लिया मैंने क्या बनाया। अब मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ फटाफट, भी मुझे सावर लेने के लिए जाना है क्योंकि अभी 1 बज गया है। आप लोगों ने देख ही लिया, आप लोगों ने देख ही लिया मैंने आज क्या बनाया लंच में। अभी फटाफट ये स्क्रब और पैक अप्लाई कर लेती हूँ और अभी फटाफट मुझे सावर लेने के लिए जाना है क्योंकि 1 बज चुका है और मेरे हस्बैंड भी अभी आज 2 बजे आ जाएंगे क्योंकि हमें कहीं जाना है। इस वजह से मैं यहाँ पे ये पानी लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे बार बार जाना ना पड़े बाथरूम में। अपने फेस को गीला कर लेती हूँ, फिर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आता है। इतना मैंने खत्म भी कर लिया है। बहुत ही माइल्ड स्क्रब है ये, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है फिर भी आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। मेरी भी बहुत सेंसिटिव स्किन है, सेंसिटिव नहीं सुपर सेंसिटिव बोल सकते हैं क्योंकि मेरी स्किन पे बहुत कम प्रोडक्ट होते हैं जो सूट करते हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना सा ही अपने हैंड लूंगी और इस तरह से 4 से 5 मिनट तक हम इसे मसाज करेंगे। 4 से 5 मिनट से ज़्यादा हमें स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा और ले रही हूँ। इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए हमें स्क्रबिंग करनी है। नोज पे भी फोकस करना है क्योंकि ज़्यादातर ब्लैकहेड्स वगैरह हमें यहाँ पे ही होते हैं और मुझे बीच में ब्लैकहेड्स की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और सुपर सेंसिटिव है और ब्लैकहेड्स की तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहती है मुझे। अभी इतने नहीं है लेकिन बीच में बहुत सारे ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम हो गई थी समर में। पैक को मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था और अब ये सेकंड टाइम अप्लाई कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, स्पेशली ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। वैसे ये ऑल स्किन टाइप वाले आराम से यूज़ कर सकते हैं ये स्क्रब और पैक दोनों को। अमेज़न, नायका एंड पर्पल पे आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। और इसे लगाने में भी बहुत इजी होता है। अभी मैं कैमरे में देखकर ही इसको अप्लाई कर रही हूँ सो इग्नोर कीजिएगा, ऐसे नहीं हो रहा है मुझसे। एक काम करती हूँ, मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ और फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। इस पैक को मैंने अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसको क्लीन करने के लिए जा रही हूँ और 10 से 15 मिनट तक इसे रहने दूंगी और जब ये ड्राई हो जाएगा तब मैं सावर लेने के लिए चली जाऊँगी। और इसे इग्नोर कीजिएगा, मेरी टी शर्ट पूरी गीली हो गई है सो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। और हाँ, जब भी आप इसे यूज़ करते हैं उस वक्त ही तुरंत वॉश करके क्लीन कर लीजिए, पूरा ड्राई कर लीजिए क्योंकि आप जब इसे अप्लाई करते हैं तब आपके फेस पे जितने भी गंदे बैक्टीरिया होते हैं वो इसके ऊपर लग जाते हैं। उस वजह से जब भी आप इसे यूज़ करते हैं तुरंत ही वॉश कर लीजिए पानी से और ड्राई करके रख दीजिए। मैं तो यही करती हूँ और ये मुझे अब बहुत काम आने वाला है और भी पैक अप्लाई करने के लिए काम आने वाला है। ऐसे ये पैक को हम अपने पूरे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने लेग्स और हैंड पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं लेकिन मैं अपने
फेस पे ही अप्लाई करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नेक पे अप्लाई कर लेती हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है तब मैं अपनी नेक पे अप्लाई कर लेती हूँ। हे गाइस, अभी मैं जस्ट सावर लेकर आई हूँ थोड़ी देर पहले ही, और आप लोग देख रहे हैं आज मैंने इंडियन वेयर पहना है। आज मैंने ये ब्लैक कलर का कुर्ता पहना है। शायद आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे ऐसे, राइट? क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ज़्यादातर वेस्टर्न ही क्लोथ्स पहनती हूँ, इंडियन वेयर थोड़े कम पहनती हूँ। लेकिन आजकल मुझे भी पसंद आ रहा है, एक मिनट मैं फ़ैन ऑफ कर देती हूँ, नॉइस आ रहा है। तो आजकल मुझे भी इंडियन वेयर पहनना पसंद आ रहा है, क्योंकि आप लोग भी मुझे इंडियन वेयर में ही देखना पसंद करते हो ऐसा मुझे लगता है। चलिए मैं आप लोगों को ठीक से दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये ब्लैक कलर का कुर्ता पहना है और ये मरून कलर की लेगिंग्स पहनी है। मैं आप लोगों को बाद में ठीक से दिखाती हूँ। अभी आज मैंने सिंदूर भी लगाया है, आप देख सकते हो। आप लोग मुझे बताएगा ये मैं कुर्ते में कैसी लग रही हूँ। और हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आज मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था सोसाइटी में डेथ हुई थी, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, उनको उनके गांव लेकर गए थे। यहाँ पे नज़दीक ही है, आधे पौने घंटे का ही रास्ता है, तो हम लोग अभी वहाँ निकल रहे हैं। क्योंकि कितने दिन हो गए, 5 से 6 दिन हो गए हम लोग मिले नहीं जा पा रहे थे। सो अभी आज हस्बैंड आफ्टरनून के बाद छुट्टी लेकर आ रहे हैं ऑफिस से, और हम लोग सीधा मिलने को जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर वो अपने वाइफ और अपने बच्चे के साथ ही रहते थे, उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे गांव में ही है। सो उनको, उनकी बॉडी को वहाँ पे लेकर गए थे, और हम लोग अभी वहाँ पर ही जाने वाले हैं। आधा या पौने घंटे का ही रास्ता है, तुरंत मिल के आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी पॉजिटिव केस हैं, नज़दीक ही है। सो उस वजह से हम आधा घंटा वहाँ पे रहेंगे, फिर तुरंत ही चले आएंगे। और ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और हाँ, आप लोगों को फुल लुक दे दूँ एक बार, रुके मैं आप लोगों को ठीक से दिखाती हूँ बाहर जाकर। यहाँ पे मेरे हस्बैंड चेयर पे बैठे थे, मैं उनको बार बार बोल रही थी कि थोड़ा साइड हटिए, थोड़ा साइड हटिए, लेकिन वो नहीं निकल रहे थे। अभी एडिटिंग वर्क, जब मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ तब मुझे हंसी आ रही है। ये रहा मेरा फाइनल लुक, आप लोग बताएगा आप लोगों को मैं इंडियन वेयर में अच्छी लगती हूँ या फिर वेस्टर्न वेयर में अच्छी लगती हूँ। अगर आपको मैं इंडियन वेयर में अच्छी लगती हूँ तो फिर मैं कोशिश करूँगी आपकी मैं इंडियन वेयर में ही व्लॉग अपलोड करूँ। वैसे मैं चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसे ही आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ। आप लोगों को पता है मैं वेस्टर्न ही ज़्यादा पहनती हूँ, आप लोग बताएगा। तो आप लोगों ने देख लिया इसका फुल लुक। ये व्लॉग को मैं यही पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और हाँ, किसी ने कमेंट भी की थी कि आप डियर इंडियन वेयर में व्लॉग बनाइए, तो शायद मैंने ये व्लॉग में आप लोगों की रिक्वेस्ट भी पूरी कर दी। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।